कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार में खालिस्तानी आतंकियों के मंसूबे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य और उनके हिंदू कनाडाई दोस्तों से भारत वापस जाने की मांग की गई है, जिसके बाद सांसद चंद्र आर्य ने उस पर पलटवार किया और कहा कि हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। क्या है पूरा मामला धमकी और पलटवार का, आइए आपको समझाते हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा, चंद्र आर्य और उनके समर्थकों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। चंद्र आर्य कनाडा में भारत के एजेंडे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें कनाडा की नागरिकता छोड़कर भारत लौट जाना चाहिए। चंद्र आर्य और उनके समर्थक खालिस्तानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। कनाडा में रह रहे खालिस्तानी सिख कनाडा के प्रति अपनी देशभक्ति साबित कर चुके हैं, हम कनाडा के प्रति वफादार हैं, जिसका जवाब लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो शेयर कर दिया। उस वीडियो में गुरपंतवंत सिंह पन्नू कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम हिंदू दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कनाडा आए हैं। दक्षिण एशिया के देशों के अलावा अफ्रीका और कैरेबियन देशों और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों से हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ किराएदार नहीं हैं। कनाडा ही हमारा देश और हमारी अपनी जमीन है। हमने कनाडा के सामाजिक और आर्थिक विकास में बेहद ही सकारात्मक योगदान दिया है, अभी कर रहे हैं और आगे भी ये जारी रहेगा। आर्य ने आगे कहा कि हिंदू संस्कृति और विरासत के अपने लंबे इतिहास के साथ हिंदू समाज ने कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने का काम किया है। ये ज़रूर है कि हाल ही के समय में खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स द्वारा गारंटीड हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए हमारी भूमि कनाडा को प्रदूषित किया है। बता दें कनाडा के एडमोंटन शहर में वीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर हॉल में तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर विवादित नारे लिखे गए। इसका आरोप खालिस्तानी तत्वों पर लगा है। इसी को लेकर सांसद आर्य ने ये वीडियो जारी किया। आपको बता दें कि लिबरल पार्टी के सांसद चंद्र आर्य को धमकाने वाले पन्नू के बारे में, मूल रूप से पन्नू पंजाब के नाथूचक गांव से ताल्लुक रखता है, जिसने लुधियाना से अपनी शुरुआती शिक्षा ग्रहण की और बाद में अमृतसर के पास खानकोट में बस गया। पन्नू के पिता महेंद्र सिंह पंजाब मार्केटिंग बोर्ड के सचिव थे। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। वो कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में एक्टिव हो गया था। इसके बाद वो विदेश चला गया था। वहाँ उसने शुरुआत के कुछ सालों तक कैब ड्राइवर बनकर काम किया और बाद में वकालत शुरू कर दी। 2007 में उसने SFG की स्थापना की और खालिस्तान का कट्टर समर्थक बन गया। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले पन्नू को इस काम में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद मिलती है।